नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ज्ञानी पापा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैटेगरी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने वर्डप्रेस अकाउंट को लॉगिन करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुकी है। कैटेगरी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी होता क्या है। तो चलिए मैं अपनी वेबसाइट पे आपको पहले ले जाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है। तो आप ऊपर में ये देख सकते हैं, होम, टेक्नोलॉजी, मेक मनी, गूगल एडसेंस, एंटरटेनमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, रियलिटी। तो दोस्तों ये सब कैटेगरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी कैटेगरी नहीं है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ और कैटेगरी ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मूवी, अगर आपको मूवी की कैटेगरी ऐड करना है और यहाँ पे लाना है, तो देखिए मैं कैसे किस प्रकार से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मूवी की कैटेगरी को। तो सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट पे। आप अपने माउस के कर्सर को जैसे पोस्ट पे रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी, टैग। तो हमें कैटेगरी पे जाना है, तो चलिए कैटेगरी को क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है मूवी। आपको जो भी कैटेगरी बनाना है यहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मूवी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी मूवी ही लिखिए, बस बाकी जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करिए। ऐड न्यू कैटेगरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी मूवी की जो कैटेगरी है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे ही अपने माउस के कर्सर को अपीयरेंस पे रखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शन मिलेंगी। तो यहाँ पे आप एक मेनू का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे हमें क्लिक करना है। मेनू का ऑप्शन क्लिक करने के बाद कैटेगरी को ओपन करना है। यहाँ पे कैटेगरी के बगल में जस्ट एरो दिख रहे हैं, इसे हमें ओपन करना है। उसके बाद ये वाला जो व्यू ऑल देख रहे हैं, इसे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमने एक मूवी की कैटेगरी बनाई थी, तो ये मूवी की कैटेगरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट उसके आगे टिक करना है। उसके बाद ऐड टू मेनू पे क्लिक करना है। हम जैसे ही ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मूवी की जो ऑप्शन है आ चुकी है। इससे पहले यहाँ पे आप मेन मेनू को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका ध्यान रखें। मेन मेनू को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि जो प्राइमरी मेनू है इसे हमें सेलेक्ट करना है। प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चलिए अपने वेबसाइट में चलकर देखते हैं, इसे हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मूवी की कैटेगरी है वो आ चुकी है। तो बस हमें अपने ऐसे ही कैटेगरी को, अलग से अलग कैटेगरी को बनाना है। तो आपको जो भी कैटेगरी बनाना है आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो साइट में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।